बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 मंथली। आज हम मंथली के बारे में पढ़ेंगे, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। तो सभी बच्चे आप अपनी किताब निकालें, पेज नंबर 15। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मानसर लेक है। मानसर जो है वो नाम है। मानसर क्या है? नाम है। लेक यानी कि झील का, लेक झील का। मानसर लेक यानी कि झील का नाम है मानसर लेक। झील का नाम है मानसर लेक। तो मानसर लेक इज सिचुएटेड, मानसर जो झील है वो वाकया है या कायम है। मानसर लेक इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 62 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ जम्मू। यानी कि मानसर जो झील है वो जम्मू शहर से 62 किलोमीटर दूर है, 62 किलोमीटर दूर है। इट हैज सराउंडेड, ये जो झील है इसको घेरे हुए है, बाय हिल पहाड़ियों से, दैट आर रिच इन फॉरेस्ट, जिसमें ज्यादा जंगल है, जिसमें ज्यादा जंगल है। बच्चों, ये जो मानसर लेक है, ये झील है, ये जम्मू में वाका है, ये जम्मू सिटी से 62 किलोमीटर यानी कि 62 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच में एक जगह है, जिसको चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ हैं, और वो भी घने जंगलों से पहाड़ हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द लेक इज 4 किलोमीटर, यानी कि ये जो झील है ये 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर लंबी है, यानी कि 4 किलोमीटर इसका आता है। कितना है? यानी कि इस पूरा झील का ये जो सराउंडिंग है ये 4 किलोमीटर है। इसके चारों साइड इस तरफ सिर्फ हिल्स है, यानी कि पहाड़ियां हैं। क्या हैं? पहाड़ियां हैं, फॉरेस्ट और जंगलों से भरी हुई। किससे भरी हुई? जंगलों से भरी हुई। ये जो मानसर लेक है, मानसर लेक जम्मू से 62 किलोमीटर यानी कि 62 किलोमीटर दूर एक जगह है, जहां चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में ये 4 किलोमीटर की झील है जिसका नाम है मानसर लेक, और इस झील के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और जंगल हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं और जंगल हैं। मानसर इज ए पॉपुलर पिकनिक स्पॉट। मानसर जो लेक है ये ज्यादा मशहूर है पिकनिक के लिए। गर्मियों के मौसम में हमारे स्कूल के बच्चे, हम हर एक, आप अपने स्कूल से पिकनिक पे जाते हैं या घर के फैमिली वाले मेंबर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, तो इसीलिए मानसर जो लेक है, ये जो जमीन है, ये पिकनिक के लिए, यानी कि यहाँ पर बच्चे एक्सकर्शन बनाने के लिए या घर के बड़े अफराद एक्सकर्शन बनाने के लिए वहां जाते हैं। इन जम्मू पार्ट ऑफ फ्राम ए बींग ए होली साइट फॉर द हिंदू, और हिंदू लोगों के लिए ये एक मुतबर जगह है, यानी कि हिंदू लोग इसको मुकदस जगह मानते हैं। क्या मानते हैं? मुकदस जगह मानते हैं। द जे एम के टूरिज्म डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर का जो सेहत कराने वाला डिपार्टमेंट है, वो हैज लेड द लेक विद स्टोन, उसने इस झील को चारों तरफ से पत्थर लगा दिए हैं, अराउंड इट चारों तरफ से इन डेवलप्ड पाथवेज और रास्ते बना दिए हैं फॉर द विजिटर, जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, हु कैन ऑल्सो गो फॉर द बोटिंग, जो यहाँ पे आते हैं वो किश्ती में बैठ कर जाते हैं, इन द लेक किश्ती में, फिर दोबारा से सुनो बच्चो, मानसर यानी के नाम है झील का, लेक झील, ठीक है। ये जो मानसर लेक ये झील है, इसका आप ऐसे समझ लीजिए ये जम्मू शहर है, ये जम्मू सिटी है, ये जम्मू सिटी से 62 किलोमीटर दूर यानी कि 62 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच में एक झील है, यानी पहाड़ों के बीच में एक लेक है, जिसका सर्कमफेरेंस यानी कि ये चारों तरफ से 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर है, और इस झील को चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़े, झील के चारों तरफ क्या है? पहाड़ ही पहाड़े, उन पहाड़ों में झील है, और जो पहाड़ है वो भी जंगलों से भरे हुए हैं। किससे? यानी कि उन पहाड़ों में जंगल है। मानसर लेक इज सिचुएटेड, मानसर जो झील है वो कायम है एट ए डिस्टेंस ऑफ 62 किलोमीटर 62 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू शहर से। इट हैज सराउंडेड बाय हिल्स, ये पहाड़ियों से घेरे हुए है, डाटा रिच इन फॉरेस्ट, जिसमें ज्यादातर जंगल हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द लेक, ये जो झील है इसका अंदरूनी जो हिस्सा है इस 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर है,
मानसर इज ए पॉपुलर पिकनिक स्पॉट, मानसर जो लेक है, मानसर जो झील है ये ज्यादा मशहूर है एक्सकर्शन बनाने के लिए इन जम्मू पार्ट फ्रॉम बीम होली साइड, और जम्मू के बहुत सारे जगह वाले इनको मुतबरक यानी के पाक मानते हैं, फॉर द हिंदू, हिंदू लोग इस जगह को बहुत ज्यादा मुकदस मानते हैं। द जे एंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का सियाहत कराने वाला जो डिपार्टमेंट हैज रेट द लेक, इसने झील को विद सतून पत्थर लगा दिए हैं इरावा डेट चारों तरफ से इन डेवलपर पाथवेज और रास्ते बना दिए हैं फॉर द विजिटर घूमने वालों के लिए हु कैन आल्सो गो जो यहाँ पे आते हैं फॉर बोटिंग किश्ती से इन द लेक झील में। तो आज हमने मानसर लेक का पहला पार्ट पढ़ा, कौन सा पार्ट पढ़ा, पार्ट फर्स्ट। तो दूसरे चैप्टर में हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।